हाय एवरीवन, अपन की ड्रीम राइड जो है वो प्लान हो चुकी है। लॉकडाउन 2 साल लग गए थे, लेकिन अपन ड्रीम जिएंगे इस साल 100%, जो कि है लेह लद्दाख राइड का। एंड मैं आने वाली अब वीडियोस बहुत अमेजिंग होने वाली है। मैं कुछ मैकेनिक्स में जाऊंगा, चीज़ें सीखूंगा, ब्रेक वायर्स कैसे चेंज करते हैं, एक्सेलरेशन वायर्स, एंड बाइक गिरने का कोई सीन नहीं रहेगा, बट मैं उठा लेता हूँ। बट स्टिल अगर कोई बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है तो बाइक को कैसे उठाना, लगेजेस हैवी होती है, तो प्लस में मेरे को कुछ जो भी सामान कैरी करना है, मेरे को सैडल बैग्स लेने हैं, मेरे पास एक मैग्नेटिक टैंक बैग रहेगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको अभी एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, एक छोटा सा, मतलब एक बताऊँगा आपको कि कैसे हमारी राइड रहेगी। हम 1 जुलाई को निकल रहे हैं होपफुली, और हम टोटल 6 राइडर्स निकलेंगे। और मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ मेरे रूट का। हम जो रूट लेंगे वो लेंगे दिल्ली मनाली सरचू लेह। लेह के अंदर हम 2 दिन बिताएंगे, एक दिन हम पहुँचेंगे, एक दिन एंजॉय करेंगे, उसके बाद नुब्रा वैली एंड पैंगोंग लेक, फिर उसके बाद हम लेह, कारगिल, श्रीनगर, पठानकोट और दिल्ली। ये जो हमारा सर्किट रहेगा वो समवेयर इन बिटवीन 3000 किलोमीटर्स के आसपास का रहेगा। अभी मैं सोचता हूँ ना लेह लद्दाख के बारे में तो गूज़बम्प्स आने लगते हैं। मेरा एक सपना था, मेरी पास्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं बाइक चला पाऊंगा, बाइक के बाद मैं रॉयल इनफील्ड चला पाऊंगा। रॉयल एनफील्ड चलाने के बाद मैं अब लंबी राइड्स पे जाता हूँ, चक्राता होकर आया, पॉन्टा साहिब, ऋषिकेश, मेरे को कभी था नहीं कि मेरी बाइक मेरे को इतना सपोर्ट करेगी कि मैं इतनी राइड्स कर सकूं। लेकिन अपन सपना जी रहे हैं, जो आप सिर्फ वीडियो को देख सकते हैं, पता मैं अभी महसूस करके मैं कितनी बार रोता हूँ कि यार क्या सेक्सी, मतलब मेरे को ड्रीम्स भी अभी वही आते हैं। तो अभी बहुत सीरीज आने वाली है, हम थोड़े से टायर, मेरे को स्टॉक टायर्स बिल्कुल नहीं पसंद है रॉयल एनफील्ड के, खासकर जो भी वो बाइकों में मतलब स्टॉक जो देते हैं ना, बिल्कुल मेरे को नहीं पसंद। तो अपन मॉडिफिकेशन कराएंगे कुछ टायर्स के अंदर, क्योंकि मेरे को स्लिप का थोड़ा सा इशू रहता है उसके अंदर, वेट कंडीशंस के अंदर। तो अपन थोड़ा सा ब्रॉड टायर लगवाएंगे सेम उसके अंदर ही। जो मेरा आगे की प्रोफाइल है वो 90-90-19 है, तो उसके अंदर मैं 110-90-19 लगवाऊंगा, एंड जो पीछे की प्रोफाइल वही रखूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा फैट टायर करवाऊंगा सेम प्रोफाइल के अंदर, थोड़ा सा फैट। एंड मैं गए सैडल बैग्स लूँगा, बाइक में कुछ मॉडिफिकेशंस मेरे को कराने की जरूरत नहीं। मैं आपको नीचे अपनी बाइक दिखाता हूँ, फुली तैयार है। मतलब लोग मेरे को मिलते थे ना, भाई लद्दाख होकर आए हो, मैं बोला नहीं, मैं लद्दाख के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो 1 साल से अपन प्रिपेयर कर रहे थे, एंड बहुत अमेजिंग मजा आने वाला है। हम जो है अभी मैं जाऊँगा 13th या 12th तारीख को, हम इसी मंथ के अंदर हम मीटअप है हमारा, एक स्मॉल मीटअप, मैं उसके अंदर भी आपको बताऊंगा मीटअप हम करेंगे क्या क्या चीज़ें उसके अंदर। हम बहुत सारी चीज़ें, जब हम 3-4 राइडर्स मिलते हैं ना, तो हम बताते हैं कि हमारे को क्या क्या जरूरत है। टायर इन्फ्लेटर्स होता है आपको, पंचर किट है आपको, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप ग्रुप के अंदर जा रहे हैं तो अगर किसी के पास टायर इन्फ्लेटर है, बहुत सारी चीज़ें ना आपको सीखने के लिए मिलती है। और प्लस में आप एक्स्ट्रा सामान, हमारा जो ट्रिप रहेगा वो 14 डेज, समवेयर इन बिटवीन 12 to 15, 12 से 15 दिन की ट्रिप रहेगी। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा कोई एक्स्ट्रा सामान लेके जाऊं। तो जब आप बंदों से मिलते हो, उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हो, या वो आपको कुछ बताते हैं कि आपको यार मेडिकल किट भी लेके जाने की जरूरत है, एक एक्स्ट्रा ब्रेक वायर रख ले, बहुत सी चीज़ें होती है। प्लस में सबसे बेस्ट पार्ट जो मेरी बाइक का है वो ये है, अगर आप BMW 310 GS लेकर जाते हो 11 लीटर, KTM 12-13 लीटर, बुलेट रॉयल एनफील्ड की 14 लीटर का टैंक होता है उनका। लेकिन प्लस पॉइंट मेरे पास जो रहेगा वो है रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड X, 20 लीटर्स का मेरे पास फ्यूल कैपेसिटी, मेरा जो टैंक है उसकी कैपेसिटी है। तो मेरे को नहीं लगता मेरे को एक्स्ट्रा जो है फ्यूल लेके जाने की जरूरत है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको फ्यूल के लिए वो एक कैरियर जाता है, आइदर वो या फिर मेरे सैडल बैग के अंदर भी पीछे स्पेस है, बट मेरे को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट स्टिल हाँ, मैं 3-4 लीटर के आसपास का एक्स्ट्रा लेकर चलूंगा एक्स्ट्रा, एंड बहुत बहुत फाड़ मजा आएगा। लंबी सीरीज आएगी, करने के बाद मैं आपको एक्सपेंडिचर बताऊंगा, मेरा पेट्रोल का खर्चा कितना हुआ, हमारा टोटल कितना स्टे रहा, और पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। बहुत बहुत सेक्सी मजा आने वाला है। जब भी आप लेह लद्दाख जाओ तो अपने दोस्तों के साथ जाओ, अकेले मत जाओ। और दोस्त मेरे जो है ना रॉयल एनफील्ड डेली रॉयल एनफील्ड राइडर्स ग्रुप के अंदर जब मैं ज्वाइन किया तो बहुत कम बंदे थे जिनके साथ मैं कनेक्ट करा। वैसे सब मेरे को जानते हैं, मैं सबको जानता हूँ, लेकिन बहुत कम बने थे। और मैं बहुत ग्लैड हूँ कि वो सबके सब बंदे मेरे साथ जा रहे हैं। कभी भी आप बड़ी ट्रिप में जाओ, ये लंबेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट ही ट्रिप मैं समझूंगा, अगर आपको इंडिया कवर करना है, इससे बड़ी ट्रिप क्या होगी लेह लद्दाख से। तो इसके अंदर आप ज़्यादा बंदों के साथ मत जाओ और कम भी बंदों के साथ मत जाओ, ऐसे बंदों के साथ जाओ जिनके साथ आपका कंफर्ट लेवल है,
है ना, तो उन्हीं बंदों के साथ जाओ, ऐसे ही जबरदस्ती के बंदों को मत रखो। और बाइक आपको ना बहुत खींचनी है, स्पीड नहीं, आपको किलोमीटर्स खींचने हैं, तो आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होकर जाना कि बैक पेन या ऐसे कुछ कुछ भी नहीं रहेगा, सब दिमाग से है। अपने आप को ट्रेन करो, बैक के कुछ पोश्चर्स करो, प्लस में कोई स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेन ना लो 1 वीक पहले जब भी आपको राइड से पहले जाना है, क्योंकि आपको बहुत राइड करना है इसके अंदर, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड ड्रीम डेस्टिनेशन है, ड्रीम राइड है मेरी ये। इट्स नॉट जस्ट अ राइड, इट्स अ इमोशन दैट इज कनेक्टेड विद अ राइड। दिस टाइम इट्स वेरी डिफरेंट, दिस टाइम इट्स डिफरेंट बिकॉज मैं अपने भाइयों के साथ जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ नहीं, राइडर्स के साथ नहीं, मैं अपने भाइयों के साथ जा रहा हूँ। हम सब भाइयों का सपना है, 3-4 साल कईयों का तो 6-6 साल पुराना सपना है कि उनको ये पूरा करना था। मेरे को सारी चीज़ें मेरी पता है कितनी अच्छी तरीके से हो रही है। पिछले साल मैंने रॉयल इनफील्ड ली, आज मैं लेह लद्दाख जा रहा हूँ। मेरे पास मैं इतना फाइनेंशियली, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैं इतना फाइनेंशियली सिक्योर्ड हूँ कि मेरे को कोई इतनी कोई फंड्स की दिक्कत नहीं आएगी। मेरा ऑफिस मेरे को अलाउ करता है, मेरे पेरेंट्स मेरे को अलाउ करते हैं कि मैं इस राइड पर जा सकूँ। रॉयल इनफील्ड है मेरे पास, तो कईयों के पास रॉयल इनफील्ड होती है लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी है, पैसे नहीं होते, मेरे पास पैसे भी है। जज्बा नहीं होता, मेरे पास जज्बा भी है, मेरे पास सब चीज़ें हैं। तो अपन करेंगे लद्दाख की ट्रिप, 1 तारीख को निकलेंगे, अब से 27 दिन बाद, 26 दिन बाद के आसपास। बहुत सुपर एक्साइटेड है भाई। कभी भी ना मैं बताऊँ, 15-20 दिन पहले कभी प्लान मत करना, एकदम निकलना, जीना मुश्किल हो जाता है। सपने आते हैं बहुत तगड़े, भयानक वाले, मस्त भाई, बाइक ही चलाते रहते हैं। अब जब सोते हो ना ऐसे ना बेटे, बहुत मजा आता है, बहुत सेक्सी वाला मजा आता है। एंड अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा मतलब ब्रीफली मैं लेकर चलता रहूंगा, एपिसोड्स आते रहेंगे। हाँ, सैडल बैग का सोच रहा हूँ मैं, सैडल बैग एक मंगाऊंगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है एक सैडल बैग। मैं कभी भी, मैं इवन 2 दिन की भी राइड होती है ना, मैं उसमें भी किसी को नहीं बोलता कि एक बैग पैक कैरी करो। बैग पैक बिल्कुल मत कैरी करना, हमेशा बैग में एक प्रॉपर लगेज वाला हो, सब वाटर प्रूफ का सीन, बिल्कुल हर चीज़ को ख्याल कर रखना, अपनी बाइक में सेफ्टी का ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं। सीरीज आएगी, अभी ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि अपारा तुम्हारा भाई लद्दाख, लड़कियों के लिए नहीं बैठा, बाकी सब भाइयों के लिए, भाई लद्दाख जा रहा है 1 तारीख को, तो बहुत भयानक वाले एपिसोड्स आने वाले हैं एंड हम बहुत बहुत ज़्यादा मज़े मारेंगे। बाय बाय।